हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B का एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 148 डिवाइड बाय 185। ठीक है, यहाँ पे हमको फ्रैक्शन दिया है, इस फ्रैक्शन का हमको सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक फ्रैक्शन दिया है 4/3। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये ऑलरेडी पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, अब कैसे पता कि ये दोनों सिंपलेस्ट, मतलब ये जो फ्रैक्शन है सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो ध्यान से देखेंगे, तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर चेक करना है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एससीएफ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एससीएफ फाइंड करेंगे। अगर इन दोनों का एससीएफ 1 निकल के आ रहा है तो हम वहां से बोल सकते हैं कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, या फिर हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का केवल और केवल 1 कॉमन फैक्टर हो, यानी कि इन दोनों को केवल 1 ही डिवाइड कर सके, 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं डिवाइड कर सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बोलेंगे, या उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5/10 अगर दिया गया है। अब ये जो फ्रैक्शन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 के अलावा दूसरा नंबर भी डिवाइड कर सकता है, और वो दूसरा नंबर क्या है? 5। यानी कि 5 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 और 5 2 10। आ रही बात समझ में? तो किसी भी फ्रैक्शन को हम मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कब बोलते हैं? तो किसी भी फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तब बोलते हैं जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, या फिर बोल सकते हैं जिसका एससीएफ केवल 1 निकल के आए। ठीक है, 1 के अलावा अगर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है तो उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बोलेंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे, यहां पे हमको एक फ्रैक्शन दिया है, इस फ्रैक्शन को हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, यानी कि 1 के अलावा भी इसका कोई दूसरा फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा। तो वो कॉमन फैक्टर ढूंढ के दोनों को हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो हमको फ्रैक्शन मिलेगा तब जाके वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? चलिए फिर, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो समझेंगे। अब किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, और वो जो कॉमन फैक्टर होता है सबसे बड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हम 5/15 लिए हैं, एक नंबर, एक फ्रैक्शन लिए हैं 5/15। ठीक है, अगर हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर देखेंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही क्या बोलते हैं हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही क्या बोलते हैं? एससीएफ। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है तो हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एससीएफ से डिवाइड कर देते हैं दोनों को। ठीक है, यानी कि सबसे हाईएस्ट कॉमन, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना होता है दोनों को। तो अभी अगर हम मतलब खुद से सोचे तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके? तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 5 होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो 5 1 5 और 5 3 15, यानी कि जो 5 है इन दोनों का एससीएफ होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब चेक भी कर सकते हैं, 5 और 15 का जो एससीएफ निकल के आएगा वो 5 ही होगा। आइए बात समझ में? तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एससीएफ से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर का एससीएफ फाइंड करेंगे, और जो भी एससीएफ निकल के आएगा उस एससीएफ से इन दोनों नंबर को हम डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो फ्रैक्शन हमको मिलेगा वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एससीएफ निकालने तो सबको आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आता है और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आता है। तो आपको जो मेथड आसान लगे उस मेथड से हम इन दोनों नंबर्स का पहले हम एससीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम पहले लिखेंगे एससीएफ ऑफ 148 और 185, पहले एससीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि डिवीजन मेथड से जब सॉल्व करेंगे एससीएफ फाइंड करेंगे तो जल्दी हो जाएगा और कम स्टेप में ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर होगा उसको हम डिविडेंड कंसिडर करेंगे और छोटे नंबर वाले को डिवाइजर मान लेंगे, यानी कि 148 से 185 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड से कैसे एससीएफ निकाला जाता है वो हम बताए हैं, आप जाके एससीएफ वाला वीडियो देख सकते हैं, डिटेल में है।
तो 148 से जब 185 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स 148 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये 7 ये 3 हो जाएगा 37। अब क्या करेंगे कि 37 जो रिमाइंडर आया है, अब ये रिमाइंडर नया डिवाइजर बन जाएगा और जो पुराना वाला डिवाइजर है वो नया डिविडेंड बन जाएगा, यानी कि 37 से 148 को फिर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 37 फोरजा 148 होता है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 37 फोरजा हो जाएगा 148 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो ये डिवीजन प्रोसेस तब तक करते जाते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा हम डिवीजन को रोक देंगे और इस डिवीजन प्रोसेस में जो लास्ट प्रोसेस है यानी कि जो लास्ट स्टेप है उस लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही गिवन नंबर का एसएफ कहलाता है। यानी कि जिस भी स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का डिवाइजर गिवन नंबर का क्या हो जाता है, एसएफ हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे 148 और 185 का एसएफ कितना निकल के आया, 37 निकल के आया। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 37 से डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 37। ठीक है, 37 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या था 148 को 37 से डिवाइड करेंगे, फिर इसके बाद 185 है इसको भी हम क्या करेंगे 37 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है, चलिए तो ये हो जाएगा 148 को जब 37 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 185 को जब 37 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 4/5। अब ये जो फ्रैक्शन निकल के आया ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आप चेक भी कर सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को केवल 1 ही डिवाइड कर सकता है, 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 ही आएगा, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 148 डिवाइड बाई 185 इज 4/5, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म 4/5 होगा। आइए बात समझ में, तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एसएफ निकाल के और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एसएफ से डिवाइड करके। क्लियर है, चलिए फिर, काफ़ी आसान क्वेश्चन था और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो दो मार्क्स से नहीं पूछेगा, 2 या 1 मार्क्स से ही पूछेगा। क्लियर है, चलिए फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।